अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं डिस्कस द टॉपिक गंजन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में, सक्सेसिबिलिटी के बारे में, क्यूरी लॉ और रियलिटी परमेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक, जो हमारे पास मटेरियल के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नो फॉर स्टडिंग मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेट मटेरियल, कहते हैं कि हम अब स्टडी करेंगे। हमने जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम पैरामैग्नेटाइजेशन के बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। कहते कि हमने जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने जो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है उसके लिए हम कहते कि हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमने अल्फ़ा लिया है और जो हमारे पास वाई एक्सिस पे एल अल्फ़ा लिया है। ये कहते हैं जो हमारे पास प्लॉट ग्राफ बिटवीन एल अल्फ़ा विजिस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा और एल अल्फ़ा, हमने जो हमारे पास पैरामैग्नेटाइजेशन की जो हमारे पास वैल्यू आई थी प्रीवियस लेक्चर में, वो हमारे पास आई थी एम इज इक्वल टू एम नॉट एल अल्फ़ा के। तो हमने बताया था कि जो हमारे पास एल अल्फ़ा किसके इक्वल होता था, कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा माइनस वन ओवर अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पी एम बी ओवर के टी। कहते हैं कि जब हम जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा भी इंक्रीज हो जाता है और एल अल्फ़ा भी इंक्रीज हो जाता है। जब अल्फ़ा और एल अल्फ़ा इंक्रीज हो जाए तो तब हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है, वो लार्जर हो जाती है। जैसे कि देखें, ये हमारे पास था ना अल्फ़ा, हमारे पास क्या था, पी एम बी ओवर के टी। कहते कि जो हमारे पास b है अगर हम इंक्रीज कर दें तो अल्फ़ा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि अल्फ़ा और b एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम b को इंक्रीज करेंगे तो अल्फ़ा इंक्रीज होगा, तो अल्फ़ा जब इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है वो भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहते हैं कि जब हमारे पास m इज इक्वल टू क्या था, m नॉट l अल्फ़ा के, देर आ पॉइंट एग्जिस्ट वेन l अल्फ़ा, जो ये वाला हमारे पास पॉइंट है l अल्फ़ा हमारे पास क्या है, वन है, यानी कि l अल्फ़ा जो हमारे पास वन है, तब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जो तमाम डाइपोल्स होते हैं वो क्या हो जाती हैं, अलाइंस हो जाती हैं, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि ये हमारे पास ना एल जो हमारे पास वन है, कहते हैं कि जब हमारे पास एल वन कब होगा, यानी कि तब कब पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जब ये हमारे पास तमाम जो हमारे पास डाइपोल्स होते हैं, हम मटेरियल की बात कर रहे हैं ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर देखने हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास तमाम जो डाइपोल्स होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस वजह से जो हमारे पास एल अल्फ़ा है वो हमारे पास यूनिटी हो जाएगा, वन हो जाएगा। नो मोर डाइपोल लेफ्ट टू द अलाइन, इसके बाद जो हमारे पास कोई भी हमारे पास लेफ्ट नहीं होगा डाइपोल लाइजन से। ये समझ आ गई आपको। इसके बाद हम देखते हैं, जब कहते हैं कि आफ्टर द पॉइंट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बी, हमने कहा था ना इस जो हमारे पास इधर तमाम मॉलिक्यूल्स आपस में लाइन्स हो जाते हैं किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जब हमारे पास एल अल्फ़ा क्या होता है, यूनिटी होते हैं, वन की इक्वल होता है,
तो फिर हमने पहले कहा था कि जो हमारे पास अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इंक्रीज हो तो एल अल्फा हमारे अल्फा और एल अल्फा क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या इसके बाद के जो हमारे पास पॉइंट है उसमें क्या है कि जो हमारे पास अगर बी इसके पॉइंट के बाद कहते हैं कि अगर बी की वैल्यू जो हमारे पास इंक्रीज हो जो इंक्रीज होती है तो जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है एम नॉट वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। कहते हैं कि इसके पॉइंट के बाद एल अल्फा के पॉइंट के बाद वो जब यूनिटी होती है उसके बाद जो अब हम बी इंक्रीज करते हैं ना तो उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या होती है कांस्टेंट यानी कि मैक्सिमम हो जाती है। एल अल्फा की जगह जो हमारे पास वन इसकी हम बात कर रहे हैं ना इसके इस पॉइंट के बाद जो हमारे पास क्या होता है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है यानी कि एम नॉट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। इसके इक्वेशन पे एक ये वाली इक्वेशन थी ना एम इक्वल टू एम नॉट एल अल्फा की वैल्यू पुट कर दी वन तो ये हमारे पास क्या हो गया एम नॉट। एंड द ग्राफ रिमेन प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन हॉरिजेंटल डायरेक्शन उसके बाद जो हमारे पास कहते हैं जो हमारे पास ग्राफ है एंड जो हमारे पास एंड पे जो हमारे पास ग्राफ है वो हमारे पास क्या होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन शो करेगा। फिर इसके बाद है इट फॉलो फ्रॉम द अबव डिस्कशन जो हमने जो हमारे पास ऊपर डिस्कशन की है जब हमारे पास बी है वो हायर होगा तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी हमने कहा कि वो हमारे पास क्या होगी कांस्टेंट होगी जब मैं जो एम नॉट मैक्सिमम होगा वो हमारे पास क्या होता है फेवर ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसकी समझ आ गई हमने जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हमने उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना था उसके लिए हम ग्राफ लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे हम अल्फ़ा लेते हैं और एल जो वाई एक्सिस पे एल अल्फ़ा लेते हैं। इसके बाद हमने जो अल्फ़ा की वैल्यू वो हमने कहा था पी एम बी ओवर के टी है। फिर हमने कहा कि जब हम जो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास अल्फ़ा भी इंक्रीज़ होगा और एल अल्फ़ा भी इंक्रीज़ होगा। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास लास्ट पॉइंट पे है जो जब हम कहते हैं कि एल अल्फ़ा इंक्रीज़ हो यानी कि वन के इक्वल हो जाएगा तो तब हमारे पास क्या होगा जो हमारे पास तमाम मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइंस हो जाएंगे। और इसके बाद कहते हैं कि इस पॉइंट के बाद जब हमारे पास बी की वैल्यू इंक्रीज होगी इस पॉइंट के बाद उन्होंने कहा ना तो बी की जो इस पॉइंट के बाद कहते हैं कि जो हमारे पास बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगी कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ में बताया हुआ है। फिर हमने कहा कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है ये था हम इसे लेते हैं अल्फ़ा हम लेते हैं अल्फ़ा हमारे पास क्या है पी एम बी ओवर के टी। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम कहते हैं अल्फ़ा और जो हमारे पास टी आ एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास अल्फ़ा है वो डिक्रीज हो जाएगा यही लिखा हुआ है। आल्सो व्हेन व्हेन इंक्रीजिंग अल्फ़ा एंड एल अल्फ़ा डिक्रीज हेंस द डिक्रीजिंग द मैग्नेटाइजेशन कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर है इंक्रीज करते हैं तो अल्फ़ा भी इंक्रीज होता है जिसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है वो भी डिक्रीज होती है। मीन्स इसका मतलब है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है मैग्नेटाइजेशन को। ये समझ आ गई। कहते कि इट इज़ ड्यू टू द कहते इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट द अलाइनमेंट ऑफ द अटोमिक डाइपोल कहते कि इस फैक्ट की वजह से जो हमारे पास अटोमिक डाइपोल्स के अलाइनमेंट है उसमें लॉस होता है किसकी वजह से ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ द डाइपोल्स की वजह से।
फिर अगर हम क्या करते हैं, पहले हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था तो अल्फा डिक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज़ होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास अगर हम टी लो कर देते हैं, लो टेम्परेचर हो जाता है टी, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास टेम्परेचर हमने देखा कि कैसे डिपेंड करता है अल्फ़ा पे और मैग्नेटाइजेशन पे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सक्सेसिबिलिटी क्या होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। हमें पता है कि एम किसको बोलते हैं, एम नॉट कोट हाइपरबोलिक अल्फ़ा माइनस वन ऑफ अल्फ़ा। अगर हम ये हमारे पास कहते कि अगर जो हमारे पास है एल अल्फ़ा है वो क्या होता है, लेस देन हो जाए वन से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है इसकी, एल अल्फ़ा की क्या वैल्यू आती है, तो हमारे पास वैल्यू आती है अल्फ़ा ओवर थ्री माइनस अल्फ़ा की क्यूब ओवर 45। ये हमारे पास वैल्यू आती है। इसमें भी यूजिंग सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ कोट अल्फ़ा, कोट हाइपरबोलिक अल्फ़ा वन ओवर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ओवर थ्री माइनस अल्फ़ा थ्री ओवर 45 लिखा, वी गेट एम नॉट वन ओवर अल्फ़ा प्लस, ये हमारे पास सीरीज है माइनस वन अल्फ़ा, कैंसलिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो हमने फर्स्ट टर्म कर दी या लास्ट टर्म। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हमने ना स्टेटिक्स मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था कि जब हमारे पास एल अल्फ़ा ग्रेटर देन वन हो जाए तो क्या वैल्यू होती है, और एल अल्फ़ा जब लेस देन वैल्यू हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, वो हमारे पास होती है अल्फ़ा ओवर थ्री माइनस अल्फ़ा थ्री ओवर 45। इसके बाद जो ये हमारे पास आ गई एम इक्वल टू एम नॉट, हमने कहा था कि हमने ये फर्स्ट टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है ना इनसे कैंसिल आउट कर देना है, तो ये हमारे पास है अल्फ़ा ओवर थ्री माइनस अल्फ़ा की क्यूब ओवर 45। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने कहा कि यही जो मैंने ये बताया हुआ ना वही हमारे पास लिखा है अल्फ़ा लेस देन वन के इक्वल है, तो जो हमारे पास हाइएस्ट टर्म विल बी निगलिजिबल, तो ये हमारे पास कहते हैं कि ये हायर टर्म में ये निगलिजिबल होगी। और अल्फ़ा क्यों निगलिजिबल होगी, क्योंकि जो हमारे पास अल्फ़ा है वो हमारे पास लेस देन वन है, तो एम नॉट हमारे पास क्या, एम किसके इक्वल आ गया, एम नॉट अल्फ़ा ओवर थ्री के। हमने अब रिलेशन देखना है मैग्नेटाइजेशन का और सक्सेसिबिलिटी का, वो हमारे पास क्या होता है, एक्स है एक्स एम इक्वल टू एम ओवर एच। ये हमारे पास हमने डायमैग्नेटाइजेशन में भी सक्सेसिबिलिटी निकाली थी, और पैरामैग्नेटाइजेशन में भी हमने सक्सेसिबिलिटी निकाली थी। एक्स एम किसके इक्वल था, एम ओवर एच के, जो हमारे पास एम है वो क्या हमारे पास होता है, जो हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, और एच अप्लाइड मैग्नेटिक जो हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी होती है अप्लाइड फील्ड। तो इसके बाद हमने जो हमारे पास एम की वैल्यू क्या आई थी, एम नॉट अल्फा ओवर थ्री, इधर हमने एम की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ जाता है एम नॉट अल्फा ओवर थ्री एच। इसके बाद हमें पता है कि अल्फ़ा की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, पी एम बी ओवर के टी। ये जो हमारे पास इधर अल्फ़ा आता ना, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा पी एम बी ओवर थ्री के टी एच। ये हमारे पास था ना ये थ्री एच, तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा था, एक मिनट मैं बताती हूँ। एक्स एम हमारे पास क्या आता है, एम नॉट अल्फ़ा ओवर थ्री एच, हमने ना इधर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली, पी एम है ये एम बी ओवर के टी, तो हमारे पास क्या आ जाता है फिर, एक्स एम एम नॉट पी एम बी ओवर थ्री
के टी एच है तो हमारे पास बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एच के। हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, एच एच से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाता है एम नॉट पी एम म्यू नॉट ओवर थ्री के। हमने जो वन ओवर टी है वो हमने साइड पे लिख लिया। हमने कहा कि जो हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं ये कॉन्स्टेंट होते हैं, हमने इसे सी के इक्वल रख लिया तो एक्स एम किसके आ गया सी ओवर टी के। ये हमारे पास कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू होती है सक्सेसबिलिटी की, जो शो क्या करवाती है कि जो हमारे पास मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो पैरेलल होती है किसके मैग्नेटिक फील्ड के। इसके बाद पैरामैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन एंड क्यूरीज लॉ, ये हमारे पास एक्स एम आई थी ना एम नॉट पी एम यू ओवर थ्री मल्टीप्लाई वन ओवर टी के, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इसकी जगह सी आ गया म्यू नॉट ओवर टी आ गया। कहते कि अगर इनवर्स रिलेशन विद सक्सेसिबिलिटी, हमारे पास का क्या इसका क्या मतलब है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सक्सेसिबिलिटी है वो भी हमारे पास क्या होगी डिक्रीज होगी। तो इधर हमने क्या करना है, हमें म्यू नॉट एच है इसका हमें पता है किसके लिए होता है बी के, एम हमारे पास आ गया सी बी ओवर टी। लिमिट हमने, लिमिट क्या होती है क्यूरीज लॉ की, कहते कि जब हमारे पास क्या टेम्परेचर है वो लो होता है तो हमारे पास जो हमारे पास सक्सेसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। मसलन एम हमारे पास क्या था सी बी ओ टी था ना, हाँ। कहते कि जब हमारे पास क्या होगा टेम्परेचर, यानी कि ये हमारे पास टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये लो होगा तो ये मैग्नेटाइजेशन क्या होगी हाई होगी, ये हमारे पास क्या होगी हाई होगी अगर ये हमारे पास क्या होगा लो होगा। तो यही लिखा है कि जब हमारे पास टेम्परेचर लो होगा तो सक्सेसिबिलिटी भी इंक्रीज होगी एंड मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होगी। तो जब हमारे पास लो टेम्परेचर होगा तो हमारे पास जो डाइपोल्स हैं वो अलाइंज हो जाएंगे खुद अलाइंज हो जाएंगे। कहते हैं कि जब हमारे पास मैग्नेटाइजेशन स्टॉप हो जाएगी तो जो हमारे पास कब स्टॉप हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें फर्दर डिक्रीज कर दें, यानी कि ये हमारे पास टेम्परेचर है ना इसको हम फर्दर डिक्रीज करते लो करते जाएं तो हमारे पास मैग्नेट एक वक्त ऐसा आएगा तो कि जब हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या होगी स्टॉप हो जाएगी इंक्रीजिंग इवन। तो फिर क्या कहते हैं कि आफ्टर द लिमिट मैग्नेटाइजेशन ऑफ इसकी लिमिट एक होती है ना, हमने क्यूरीज लॉ की क्या पढ़े लिमिट एक होती है, यानी कि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं एक लिमिट तक ही करेंगे ना, तो फिर हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या होगी कहते कि वो स्टॉप हो जाएगी। कहते कि उस लिमिट के बाद मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। दिस इज़ नो, ये हमारे पास क्यूरीज लिमिट ऑफ क्या थी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। फिर हम बात करेंगे रियलिटी परमेबिलिटी क्या होती है, रियलिटी परमेबिलिटी क्या होती है, ये हमारे पास रियलिटी परमेबिलिटी रिलेट करती है सक्सेसिबिलिटी को। म्यू आर ये हमारे पास परमेबिलिटी है और जो एक्स एम है इसे हम सक्सेसिबिलिटी कहते हैं। जो म्यू आर की जो हमारे पास वन प्लस जो सक्सेसिबिलिटी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो अगर कहते हैं कि जो हमारे पास जो परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन वन होगी तो तब क्या होगा, सो वी गेट द मटीरियल हैविंग वैल्यू ऑफ रियलिटी परमेबिलिटी ग्रेटर देन, तो फिर जब ग्रेटर देन होगी तो वो पैरा जो हमारे पास क्या शो करेगा मटीरियल वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसके बाद कंक्लूजन्स हैं, क्या हमारे पास कंक्लूजन लिखने हैं, कहते कि अगर हमारे पास नेट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट ऑफ
एटम इज़ नॉट ज़ीरो, कहते कि जो हमारे पास एटम के अंदर जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एटम के अंदर जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं उनकी हमारे पास क्या होती है, वो क्या होते हैं, वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। क्योंकि हमें पता है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमारे पास अनपेयर्ड स्पिन होती है और डायमैग्नेटिक के अंदर पेयर्ड स्पिन होती है, और इसके अंदर हमारे पास अनपेयर्ड स्पिन होती है। इसके बाद है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होते हैं वो स्मॉल होते हैं और पैरेलल किसके होते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। कहते कि ये हमारे पास सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्यों वीकली अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कहते कि इनकी जो एक्सटर्नल फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम, क्यों हमने कहा था ना कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं वीक फील्ड रीजन से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से तक। इसमें जो हमारे पास कंक्लूजन ये है कि इसमें एटॉमिक डाइपोल मोमेंट जो एटम का वो ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है ड्यू टू अनपेयर्ड स्पिन की वजह से। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है वो स्मॉल होती है और पैरेलल किसके होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वीकली अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि किसकी वजह से, बाय द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कहते हैं कि इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल जब हम वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं वो मूव करते हैं वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। फिर हमारे पास आता है जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की, वो स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इसके बाद हमने पढ़ा कि जो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी होती है वो स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है, और जो हमारे पास परमाबिलिटी होती है, हमने कहा ना जो परमाबिलिटी ग्रेटर देन वन होती है तब जो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कहते कि क्यों वन होती है? क्योंकि उनके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड होती है वो ग्रेटर होती है। और यही है द रियलिटी परमाबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन वन, क्यों जो हमारे पास परमाबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन वन की होती है। द फील्ड इन साइड द मटीरियल, जो क्योंकि जो हमारे पास मटीरियल के अंदर जो हमारे पास मटीरियल के अंदर जो फील्ड होती है वो ग्रेटर देन होती है मैग्नेटिंग फील्ड के। कहते कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमारे पास इनसाइड मैग्नेटिक सब्सटेंस के, जो हमारे पास इनसाइड मैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या होती हैं, मोर डेंस होती हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने इसमें जो हमारे पास शो करवाना था कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमने मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाया था, ये था हमारा आज का टॉपिक।